महेश नामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक भयानक सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है, तो वहीं एक युवक की दर्दनाक मौत भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक भिवंडी से 14 किलोमीटर दूरी पर पड़गा के पास खंडोली मोड़ पर एक फालूदा की गाड़ी पर कुछ लोग फालूदा पी रहे थे कि अचानक से एक कंटेनर मुंबई से नासिक की ओर जा रहा था। पहले तो कंटेनर की चपेट में एक वैगनार कार सामने से आई, उसके बाद रोड किनारे खड़े फालूदा की गाड़ी और दो बाइक वालों से टकरा गई। इस कंटेनर की चपेट में आने से 2 से 3 लोग जख्मी हुए हैं, तो वहीं एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतक का नाम मुअज्जम अंसारी 31 वर्ष बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक के शव को भिवंडी के स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल भेजा गया है और इसी सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिन्हें पड़गा के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। जो लोग जख्मी हैं उनका नाम है चैतन्य कासनी, जिसकी उम्र 24 साल है, नासिर अली अबू अंसारी 33 साल, जयेश बालाराम सपाट 25 साल उम्र बताई जा रही। ये घटना भिवंडी मुंबई नासिक महामार्ग पर रात के दरमियान में हुई है। इस सड़क दुर्घटना में भिवंडी के गैबी नगर के रहने वाले 31 साल के मुअज्जम अंसारी की मौत हो गई है।